ट्यूसडे 1 अगस्त 9:06 AM ये मैं आपको मंडे का स्केड्यूल बता रहा हूँ क्योंकि ट्यूसडे को मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर वीकली रूटीन पे एक वीडियो बना रहे हैं तो हर एक दिन को अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे, दैट बी अ गुड एक्सरसाइज। मंडे को आई हैव माई वीकली शूट, तो मंडे को यूजली दिन खाली होता है। आई जस्ट हैव वन मीटिंग, प्रोजेक्ट क्लाइंट, इट्स ऑलमोस्ट नियरिंग इट्स एंड, तो कुछ ही दिनों में ये प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है एंड वंस इट गेट्स डन यू विल ऑल गेट टू नो। एंड शाम को 6:45 वी हैव द लॉन्च ऑफ आर न्यू कोर्स व्हिच इज हाउ टू लिंक्डइन, तो उसका लॉन्च है और वो 2 घंटे का एक पूरा सेशन है। इसकी वजह से मंडे को मैं अपना पूरा शूट कंप्लीट नहीं कर पाया एंड दैट शोज इन माय रिपोर्ट। हम अपनी पूरी दुनिया असाना करके सॉफ्टवेयर है उस पर ट्रैक करते हैं एंड ये है मेरी कल की दुनिया और ये सब मैंने नहीं किया है, विच इज वाई इट्स ओवर ड्यू। नथिंग फॉर टुडे, थैंकफुली बहुत सारी चीजें हैं जो इस हफ्ते स्केड्यूल्ड हैं एंड वी विल गेट टू सी। टुडे इज द 1 अगस्त एंड द फर्स्ट मीटिंग दैट आई हैव इज 10 बजे ऋत्विक के साथ। ऋत्विक नियर बाय का एक एक्स कॉलीग है, काफी साल नियर बाय में काम किया है एंड उसके बाद ही इज गॉन ऑन टू डू मल्टीपल थिंग्स एंड वी हैव स्टेड इन टच, तो आज जनरली एक कैचअप है। फिर उसके बाद मैंने 1.5 घंटे ब्लॉक किए हैं अपना शूट खत्म करने के लिए जो कल नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बीच में देर इज अ कॉल विद अनन्या शुक्ला। अनन्या यूनिलीवर से है एंड दिस सैटरडे मुझे यूनिलीवर के एक सेशन में जाना है टू अ स्पेशल प्लेस दैट आई लव गोइंग टू। वो क्या है हम सैटरडे को रिवील करेंगे, बट दिस कॉल टुडे इज अ ब्रीफिंग कॉल जहाँ अनन्या मुझे ये बताएगी कि वॉट ऑल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, वॉट ऑल डू आई हैव टू डू सो दैट आई एम वेल प्रिपेयर फॉर दैट सेशन ऑन सैटरडे। देन 5 बजे मेरी एक कॉल है विद एपिक, एपिक एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। एंड देन टुडे इज मॉम्स बर्थडे, तो शाम को हम डिनर करेंगे साथ में। बट द फर्स्ट थिंग आई डू बिफोर आई गेट इन टू एनी मीटिंग्स एंड एनी वर्क इज चेक माई emails. तो मेरे एक जो प्राइमरी ईमेल है varico@gmail उस पर 3900 ईमेल्स हैं एंड देन varico@ankurvariku पे 10 हैं एंड देन ankurvariku@nearby पे थैंकफुली कोई नहीं है। दीज आर माई स्क्रीन्स, दिस इज माई वर्क प्लेस, इट्स 9:13 एंड ट्यूजडे 1 अगस्त इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अंकुर ये सारी चीज़ें करनी है। मेरा स्टूडियो और ऑफिस जो है वो एक नीचे वाले फ्लोर पे है, तो हम 13th फ्लोर पे रहते हैं एंड 12th फ्लोर पे ऑफिस गेस्ट हाउस है जहाँ की ऑफिस के टीम मेंबर्स रहते हैं एंड मेरा स्टूडियो भी है, सो आई कीप गोइंग अप एंड डाउन। सो आई एम बैक एट माय प्लेस, यहाँ से मैं अक्सर काम करता हूँ एंड आई गेट माय ईमेल्स डन फॉर द 10 AM कॉल जो होने वाली है। ओके, सी यू, बाय बाय ऋत्विक। 10:33 मीटिंग विद ऋत्विक अभी खत्म हुई एंड माय ब्रेकफास्ट इज रेडी। सो एवरी डे आई फास्ट फॉर 18 आवर्स, तो अराउंड 10:30-11 बजे मेरी पहली मील होती है दिन की एंड दिस इज माई मील फॉर द डे। दिस इज मैंगो एंड पनीर विद बेजिल लीव्स, नमक और काली मिर्च। 11:20 हो रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट एंड गुड न्यूज़ इज कि मैंने अभी तक शूट शुरू भी नहीं करी है क्योंकि कोई घर पे आ गया था और मुझे उनके साथ वक्त बिताना पड़ा। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 2 बजे के बाद भी एक्सटेंड हो जाएगा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 5 मिनट्स फॉर द कॉल टू स्टार्ट, थोड़ी ईमेल्स चेक कर रहा हूँ। ईमेल हमेशा 0 100 होनी चाहिए। लाइक एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक विच ऑलवेज हेल्प्स इज कोई भी काम अगर 2 मिनट में हो सकता है उसको कर दीजिए। तो बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एडिशनल ईमेल्स, मेरी ईमेल्स जो है वो पॉज होती हैं, तो मुझे ईमेल सिर्फ दिन में 3 बार मिलती हैं, 8 बजे, 12:30 बजे और शाम को 6 बजे। एंड दैट इज़ हाउ आई कीप माई ईमेल्स टू द मिनिमम डिस्ट्रैक्शन एंड टू इट गेट्स मी दैट फोकस कि जितने भी ईमेल्स आई होंगी उनको आधे घंटे के अंदर बैठ बैठ के सब निपट जाएंगी। नंबर 1, ओन एसेट्स। एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत कम लोग बारीकी से समझते हैं। लोगों को लगता है कि जो वो चीज़ खरीद लेते हैं वो एक एसेट बन जाती है। गलत। 3:30 फाइनली गॉट डन, ऑल द वीडियोज हैव बीन शॉट एंड अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव एंड नाउ आई हैव 1.5 आवर्स बिफोर माई नेक्स्ट मीटिंग। मैं तो टी शर्ट वगैरह भी बदल दिया क्योंकि एड्स के लिए डिफरेंट टी शर्ट्स, डिफरेंट सेटिंग, ग्रीन स्क्रीन, क्या क्या करना था। 4 बज गए, मैं यूजली आफ्टरनून में आधा या 1 घंटा नैप लेता हूँ, तो 5 बजे मेरी कॉल है, तो उससे पहले 1 घंटा या जितना भी नैप टाइम। अभी 5 बजे वाली कॉल खत्म हुई, 6 बजे मेरी ईमेल्स आएंगी, दैट विल बी द लास्ट स्लॉट एंड देन एज आई सेड मॉम का बर्थडे आज, तो डिनर में हम बिजी होंगे। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज पूरे दिन में मेरा शूट स्केड्यूल था, देयर वर अ फ्यू कॉल्स एंड दैट्स इट, डे इज ओवर।
हेलो एवरीवन, वेंसडे 2nd अगस्त 9:22 काम के लिए रेडी। तो सबसे पहले 10 बजे एक वन ऑन वन है आदित्य के साथ। आदित्य मेरी टीम में है जो कि सारे शॉर्ट्स की जो वीडियोस हैं वो बनाता है। 11 बजे मुझे अपना वीकली न्यूज़लेटर लिखना है। देन एट 4 o'clock आई हैव अ मीटिंग विद द अनअकैडमी ग्राफिक टीम। देन 5 o'clock स्केलेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है which handles all the ads for the courses. 5:30 to 6:30 मुझे Instagram के AMA जो हैं Ask Me Anything वो रिप्लाई करने हैं। एंड देन वी हैव आर क्लास फॉर हाउ टू LinkedIn which will start at 7 and will go on till about 9. Just got done with the meeting with Aditya. अभी एक घंटे के लिए newsletter लिखा जाएगा, लेकिन 10:46 हो रहे हैं। आई हैव अबाउट 14 मिनट्स, तो थोड़ी देर में LinkedIn और Twitter चेक कर लूँगा। जस्ट एड इन अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट हियर एंड देयर। सो वी विल डू दैट टिल 11 o'clock और फिर 11 से 12 न्यूज़लेटर। तो 11 बजे के बाद काफ़ी वक्त है। बर्तन की आवाज़ आ रही होगी, वर्क फ्रॉम होम, दैट्स हाउ इट इज। 12:02 न्यूज़लेटर डन, इट्स कॉल्ड प्रेशर पॉइंट्स। बच्चों का स्कूल फ्रॉम होम चल रहा है क्योंकि ऑफ द हरियाणा टेंशन। तो अभी उषमा का लंच ब्रेक है and I have to prepare her lunch, राजमा चावल गरम करने। पिछले घंटे से पढ़ रहा था, थोड़ी नींद से आ रही है। It's 3:07, तो कुछ 40 मिनट सो सकते हैं। 4 o'clock is the next meeting. 4:50 just got done with the meeting. अब हमारा डिनर टाइम है, तो ये मेरा आखिरी मेल है दिन का। 5:40 के करीब हो गए हैं। Time for the Instagram AMA and then at 6:45 around 7 o'clock हमारी LinkedIn के course की class शुरू होने वाली है जो almost 1.5 घंटे चलेगी। तो लंबा दिन हो गया, ज़्यादा कुछ किया नहीं लेकिन दिन एंड तक काफ़ी लंबा खिंच गया। 9:20 just finished the live class of how to LinkedIn and I am so done with the day. Let's call it a close. Thursday 9:19 and this is all that we have to do today. पहले कैलेंडर देखते हैं। एक्चुअली 9:45 एक क्विक कॉल विद द टीम कि जो हमारा लास्ट कल क्लास हुआ था लिंक्डइन के कोर्स का, उसकी असाइनमेंट कैसे ग्रेड करनी है। देन एट 10 o'clock हमारा वीकली लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम का टीम रिव्यू होता है। देन एट 10:15 हम यूट्यूब का वीकली रिव्यू करते हैं। At 11 o'clock, I have to call Rachna Ranade. YouTube पे वो content बनाती हैं बहुत अच्छा for some work that I have with her. मुझे 11 से 12 बजे ads भी shoot करने हैं, which is a weekly ritual. फिर 12 से 2 मुझे content review करना होता है, लेकिन इस बार content review से ज़्यादा मुझे content लिखना पड़ेगा because Vibhuti, who is our content writer, is down with dengue. So we're wishing her well and getting it done. But in the meantime, 12:30 से 1:30 बजे I have an interaction with ET Markets. Neha Vashisht ke saath main ET Markets mein kuch finance ke baare mein baat karne wala hoon. Then kyunki 3rd August hai, which is the start of the month, I have to sit down and go through the self-evaluations of the entire team. So at the end of the month, every month, they submit a सेल्फ असेसमेंट कि उनका महीना कैसा गया, व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट वर्क, सो ऑन। एंड उसके बेसिस पे वो खुद को एक रेटिंग देते हैं एंड देन आई सिट डाउन, रिव्यू इट एंड देन गिव बैक द रेटिंग। दिस रेटिंग फ्लोज बैक इनटू देयर बोनस जो क्वार्टर के एंड पे उनको मिलता है एज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग जो वारिक रूप में होता है। देन 4:30 बजे शिवम, हु इज आवर ऑडियो इंजीनियर, उसके साथ वन ऑन वन है। देन एट 5 आई हैव अ वीकली कॉल विद द इंडिया इंटरनेट डे टीम। तो दिस इज अ बिग इवेंट दैट हैपेंस एवरी ईयर। इस साल आई एम वन ऑफ द 3 पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग इट। एंड देन शाम को कुनाल, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, वो US से अपनी फैमिली के साथ आया हुआ इंडिया, सो वी आर होस्टिंग देम फॉर डिनर। That's the entire day. It's a unusually packed day, लेकिन a part of it is क्योंकि महीने का शुरुआत है। हाँ, और मुझे अपने सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिल भी आज पे करना। टन 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 टन। 1:40 हो चुके हैं। अभी ईटी मार्केट्स वाली लाइव स्ट्रीम था, वो क्लोज किया। कंटेंट रिव्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सेल्फ एवैल्यूएशन टीम की स्टार्ट करनी है एंड देन फिर करीब 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा जिसमें हम थोड़ा सा सोएंगे। बस शिवम के साथ वन ऑन वन और ये कॉल खत्म करके पड़े। बड़ी अच्छी सी धूप भी निकली हुई है, थोड़ी छांव भी है, बादल वादल भी आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेल्फ एवैल्यूएशन ऑफ द टीम। डिनर की प्रिपरेशन के लिए आज हम मैक्सिकन बना रहे हैं एंड बहुत रुचि है ना, वी लाइक टू कुक, सो हम डिनर
खुद कुक कर रहे हैं। 6:40 आई एम डन विद माई असाना, यही डिनर इज ऑल्सो रेडी एंड आई एम डन विद द डे। Friday, 4th August, 9:02 AM. Let's look at what the calendar is today. Abhi meri ek one-on-one call hai Shaurya ke saath. Shaurya is the YouTube lead. Then 10:30 baje mujhe Twitter thread likhna hai, jo ki main har Friday ko likhta hu. 11:15 I have to go to Gurgaon for a keynote. To main 10 baje nikal jaunga, fir main gaadi mein chalte chalte Twitter thread likhunga. Then I have a shoot day today, kyunki Monday ko main travel kar raha hu. So Monday ka shoot main aaj hi khatam kar raha hu. And at 4:30, I have a call with Nihal. He's an ISB alum. वो एक किताब लिख रहे हैं on ISB alums and they want to interview me for an hour. That's Friday for you. Let's get the day started. All right, तो हम जा रहे हैं अभी गुड़गांव for the event. That's Aditya in the background. ये दयानंद भाई हैं. भैया, hello बोलिए. Hello. Very nice. ये पीयूष. ये हमारे दो editors हैं. पीयूष long form. आदित्य शॉर्ट फॉर्म एंड मैं ज़ीरो फॉर्म. तो मैं जा रहा हूँ टॉकिंग अबाउट फियरलेस लीडरशिप विच आई हैव नो आइडिया अबाउट, क्योंकि टीम फियरलेस लीडर तो नहीं बुलाएगी मुझे. वेरी क्विकली रैप अप, कम बैक एंड फिर शूट पे. चेक 1 2, हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? There's no other country that has set that precedence of this scale in this time period itself. 300 million people will be qualified to join the workforce in less than a decade. The truth is that all of you, whether you like it or not, as people managers, are celebrities. Every single action of yours is being measured, recorded, and evaluated ad infinitum. We had no choice but to wait. It's not that we loved to be patient. We were just given no choice and thus we became that. But today's generation, they were born in a very, very different world. This is not a temporary shift. It's a permanent shift that is here to stay. You don't have to win for somebody to lose, and you don't have to lose if somebody else has already won. Success doesn't always come from hard work, and failure doesn't always come from laziness. Don't ever forget. And when you bring these three things together, you essentially bring about what I believe is fearless working. The one thing that I hopefully can testify for is I have, over the last decade, built a team of fearless people. And when you build a fearless organization, fearless leadership just becomes a term that everyone can throw around, but nobody really feels it in their blood. So my question is, where do you bring that positivity? The genuine answer is, I don't surround myself with anything negative. I don't have negative people in my life. I've cut out all negative relationships. I don't follow any news. I don't consume any content which is meant specifically for the purpose of negativity and triggering. I have a wonderful family. We love each other. I love my work. I love my team. I do. And there's genuinely very little in my life that gets me disturbed. Thank you, People Matters. Just finished the call that I had at 4:30. It is 6:09 और मुझे अभी अपना पूरा शूट ख़त्म करना है. थोड़े वीडियो शूट हो चुके हैं, थोड़े और. आज थोड़ा लंबा दिन होने वाला है. 8-9 तो बज जाएंगे. 9:40 हो गए हैं. बहुत टाइम हो लग गया आज. डे इज़ ओवर. कल फर्स्ट हाफ इज़ काइंड ऑफ चिल, लेकिन 11 बजे मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि कल मुझे अहमदाबाद जाना है. एंड आई विल टेल यू व्हाई once we get to it. Have a good night, everyone. Friday is over. p.m. Saturday. Main T3 airport pe hoon, Ahmedabad ja raha hoon. I'm Ahmedabad campus. Unilever, they are having a campus event called Unilever Diaries Live. And I am part of that, which is very exciting. I'll talk about
कि मेरा MBA का एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट वाज कॉर्पोरेट लाइफ आफ्टर दैट, एक्साइटिंग टाइम्स। 1, 2, 3 All right, long day. I just got done. मैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हूँ एंड ट्रैजिक न्यूज़ ये है कि मेरी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो चुकी है. 12:15 लैंड करूँगा, 1:30 बजे घर पहुँचूँगा. दैट विल बी अ लॉन्ग डे बट बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. टुमॉरो इज़ गोइंग टू बी अ फन डे जिसके बारे में हम कल बात करेंगे. सो वी विल सी यू ऑन संडे. गुड नाइट एवरीवन. 6th August 10:40. आसाना भी कुछ नहीं है क्योंकि संडे है एंड एवरीथिंग वाज डन. दो चीज़ें ओवरड्यू हैं. वन इज पेंडिंग फ्रॉम अ टीम मेंबर. ये एड शूट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ बट इट्स नॉट अपलोडेड इज यट. प्लस संडे है सो लेट्स लुक एट द कैलेंडर. सबसे पहले सागर आहूजा जो मेरे फिटनेस ट्रेनर हैं उनको मैं अपने स्टैट्स भेजता हूँ हर संडे को. उस्मा की क्लास होती है चेस की हर संडे. तो दैट समथिंग दैट इट्स देयर ऑन द कैलेंडर जस्ट सो वी डोंट मिस इट. बट और कुछ नहीं है. डे लुक्स चिल. तो नाउ लेट्स लुक एट कि इस हफ्ते में मैंने कितने घंटे काम किए एंड इसमें दो हिस्से होंगे. एक वो काम जो मुझे करना ही था, सो इट्स लाइक ज़रूरत का काम, वो काम जो मैंने इच्छा से किया. सो इट वॉज स्टिल वर्क बट आई चोज टू डू इट क्योंकि मेरा मन था करने का, किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, मेरे डिसीजन से मैंने वो काम किया. एंड दैट सेग्रीगेशन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि अक्सर हम अपने हफ्ते, अपनी ज़िंदगी, अपने महीने में वो काम करते हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं. लेकिन वो काम जो आप खुद के लिए करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उस काम का मज़ा ना अलग होता है. एंड दैट इज़ वॉट मेक्स वर्क ट्रूली स्पेशल. सो लेट्स सी. मंडे को आधा घंटा वॉज कैचअप, फिर 4 घंटे का शूट था एंड देन 2 घंटे की लिंक्डइन की क्लास. सो दिस इज़ अ टोटल ऑफ 6.5 आवर्स. ट्यूजडे को आई हैड nothing except for half an hour which was mandatory, तो 7 घंटे. वेंसडे को एक वन ऑन वन था जो कि मैं अपनी इच्छा से करता हूँ. मेरे को अपना न्यूज़लेटर लिखना था जो कि ज़रूरी काम है. देन हमारा वीकली डिजिटल मार्केटिंग का कैचअप था जो कि ज़रूरी काम है. AMA जो मैं अपनी इच्छा से करता हूँ एंड लिंक्डइन की क्लास थी जो कि ज़रूरी काम है. सो व्हेन यू ऐड दैट अप इट्स अबाउट 9.5 आवर्स ऑफ ज़रूरी काम एंड अराउंड 2 आवर्स ऑफ इच्छा वाला काम. देन थर्सडे काफ़ी सारे रिव्यूज़ थे इन द मॉर्निंग तो आधा घंटा उसमें गया. फिर एड शूट थी तो 1 घंटा उसमें गया. सो वी आर नाउ टू 11 आवर्स. फिर सेल्फ इवेलुएशन ऑफ द टीम थी जो कि ज़रूरी है तो 1 घंटा उसके लिए 12 आवर्स. एंड देन देवर वन ऑन वंस जो कि मैं अपनी इच्छा से करता हूँ उसके 2 घंटे और. सो वी आर नाउ टू 12 आवर्स ऑफ ज़रूरी काम एंड करीब 3 घंटा इच्छा वाला काम. देन फ्राइडे को सुबह एक इवेंट था जिस पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए लेकिन इच्छा से गया था तो वो 5 घंटे हो गए टोटल. एंड देन शूट डे था लेकिन ये शूट डे अगले मंडे के लिए था तो मैं इस हफ्ते में काउंट नहीं करूंगा. हालांकि आप देख पाए कि मैं कर रहा था बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ अ रेगुलर वीकली रूटीन तो उसको स्किप करते हैं. सैटरडे को आई स्पेंट ऑलमोस्ट हाफ अ डे 3 बजे से रात को ऑलमोस्ट 2 बजे तक क्योंकि तब तक ही मैं घर पहुंच पाया था. एंड दैट वॉज आई एम अहमदाबाद का यूनिलीवर डायरीज लाइफ का. ये पूरा का मेरी इच्छा से था, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी थी. एंड दैट एडेड टू अनदर 12 आवर्स. तो एक पूरे हफ्ते में मैंने करीब 13 घंटे ज़रूरी काम किया एंड करीब 15 घंटे इच्छा वाला काम किया. एंड दैट वॉज माई वीकली वर्क रूटीन. इस वीकली रूटीन से मुझे 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं. नंबर 1 कि आप सबसे बेस्ट जिंदगी तब जीते हैं जब आप अपना वक्त किराए पे नहीं देते बल्कि जो आप जानते हैं वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं. ज्यादातर लोग एंड मैं भी अपने 20s में, अपने 30s में अपना वक्त किराए पे दे रहा था. जितना ज्यादा वक्त दूंगा उतना ज्यादा कमा पाऊंगा, जितना कम वक्त दूंगा उतना ही कम कमा पाऊंगा. लेकिन आज की डेट में मैं अपना वक्त नहीं अपना नॉलेज किराए पे दे रहा हूँ. एंड दैट मीन्स जब मैं काम भी नहीं कर रहा, जब मैं घंटे भी नहीं डाल रहा, I am still earning because that knowledge is making me earn. Number 2, आप अकेले कुछ नहीं हैं. एक टीम और टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़कर आपको एक बड़ा प्राणी बनाती है. And that doesn't mean कि आपको एक बॉस और एक लीडर होना पड़ेगा. मदद मांगिए. कितने लोग हैं जो हिचकिचाते हैं मदद मांगने में. जब आप मदद मांगते हैं अपने दोस्तों से, अपने बॉस से, अपनी फैमिली से, अपने भाई बहन से एंड दे एक्सटेंड दैट हेल्प, आपका काम बढ़ता है एंड आप अपने वक्त में ज़्यादा कर पाते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली आप कम वक्त में ज़्यादा सीख पाते हैं. एंड नंबर 3, हर एक चीज़ का काउंट रखना. 13 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक
मैंने अपने हर एक दिन का हर एक घंटा रिकॉर्ड किया था। पहले एक नोटबुक में करता था, फिर एक्सेल शीट पे करने लगा। नोटबुक दिमाग खा गई, लेकिन एक्सेल शीट सभी भी हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अंकुर आप 6 अगस्त 2004 को 10:50 सुबह क्या कर रहे थे, आई कैन गिव यू दैट आंसर बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दैट। व्हाट डिड इट डू? इससे एक डिसिप्लिन बैठा। मुझे अपना दिन और उसके दिनचर्या को देखकर इंस्टेंटली पता चल जाता था कि ये दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, एट द एंड ऑफ इट मैं कैसा महसूस करूंगा या नहीं करूंगा। एंड वो फितरत जो है ना, वो अभी तक चली आ रही है। तो जो आपने कैलेंडर पे देखा, दैट हेल्प्स मी बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव, बिकॉज आई नो कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और उसकी वजह से मुझे कैसा महसूस होने। आपकी जिंदगी का प्रोग्रेस होना चाहिए कि आप इन तीन चीजों तक पहुंच पाए। यू विल फ्री योरसेल्फ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इवन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप वो चीजें करेंगे जो आप करना चाहते हैं, वो चीजें करेंगे जिनको करने में आपको खुशी महसूस होती है, वो चीजें करेंगे जिनको करने में आप अच्छे, एंड दैट विल बी द बेस्ट लाइफ लिव्ड एवर। अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।